بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Class 9 English Unit 9 The Fantastic Shoemaker by Wahidullah The Fantastic mean लाजवाब बहुत ही अच्छा Shoemaker खबलर को कहा जाता है जूते बनाने वाला मोची ये यूनिट हमने पहले भी किया था लेकिन वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं था इसलिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं दोबारा हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हम सही पहुंचा सके प्री रीडिंग पहले से पढ़ना ये एक प्री रीडिंग होता है वाइल रीडिंग पोस्ट रीडिंग रीडिंग के ये टेक्निक्स है प्री रीडिंग पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर बाइंग शूज़ जूते ख़रीदने से पहले आपको अपने जहन में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए वट काइंड ऑफ शूज़ डू यू लाइक कौन से जूते किस किस्म के जूते आपको पसंद है वेयर डू यू बाई योर शूज़ फ्राम तुम अपने जूते कहाँ से ख़रीदते हो रीडिंग पढ़ना है अब आई फर्स्ट मेट हेम एट माई यूथफुल डेज इन द हूदी मंथ ऑफ रमज़ान अब वहीदुल्ला ये बयान कर रहा है आई फर्स्ट मेट हेम यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है सिंपल फास्ट टेंस है मीट मेट मेट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट तो ये मीट से है मीट से मेट बन गया ये सिंपल पास्ट में चले गया आई फर्स्ट मेट हेम मैं पहले उसे मिला था इन माई यूथफुल डेज अपने जवानी के दिनों में इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान रमज़ान के मुकदस महीने में व्हेन माई फादर टुक मी जब मेरे बाबा मुझे ले गई थी टू हिज शॉप उसकी दुकान पर फॉर ऑर्डरिंग अ पेयर ऑफ न्यू शू फॉर द कमिंग ईद एक नई जूतों का जोड़ा ऑर्डर फरमाइश करने के लिए फॉर द कमिंग ईद आने वाले ईद के लिए हिज शॉप वॉज इन अ स्मॉल बट ईजी स्ट्रीट आपके सखानी बाजार हिज शॉप उसका दुकान वॉज था इन अ स्मॉल एक छोटे बट बिजी लेकिन मसरूफ स्ट्रीट गली में आपके सखानी बाजार के सखानी बाजार के एक मसरूफ तरीन गली में था अमास्टर्स अमास्टर्स बहुत बड़े साइज के मॉन्स्ट्रस अजदहा को भी कहा जाता है साइज जिसामत ब्लैक पिशावरी चप्पल वर हंग लटक रही थी ऑन द फैंड कलर वुडन और डोर ऑफ शॉप उसकी मदहम की हुई रंग की हुई लकड़ी की दरवाज़े पर उस यानी उसकी दुकान की मदहम रंग की लकड़ी के दरवाजे पर ऑफिस शॉप उसके शॉप की जो कि फैंड मदहम कहा जाता है कलर रंग वुडन लकड़ी वाला द इनसाइड ऑफ द शॉप वॉज एज क्वाइट एंड सीरीन एज दैट ऑफ अ सीक्रेट होली प्लेस द इनसाइड ऑफ द शॉप दुकान का अंदरूनी वॉज एज क्वाइट इतना खामोश एंड सीरीन क्वाइट और सीरीन यहाँ पर ये क्या है ये सिनम्स है इसकी एक ही माना है खामोश एज दैट ऑफ अ सीक्रेट होली प्लेस जिस तरह एक मुकद्दस मुआज़्ज़िस होली प्लेस जगह होता है सीक्रेट मुआज़्ज़िस पाक जगह देयर वर सम ऑफ ओल्ड वुडन स्टूल्स एंड इन द विंडोज सम पेयर्स ऑफ शूज़ वर विजिबल देयर वर वहाँ पर थे सम कुछ ओल्ड वुडन पुरानी लकड़ी की स्टूल्स तपाई एंड इन द विंडो और खिड़की में सम पेयर्स ऑफ शूज़ वर विजिबल जूतों की कुछ जोड़े दिखाई देते थे नज़र आने वाले थे विजिबल नज़र आने वाले थे अ बिग स्मूथ स्क्वायर शेप स्टोन अ बिग एक बड़ा स्मूथ हमवार मुरब्बा की शक्ल का एक पत्थर था अ हीवी वुडन मिलेट हीवी बारी वुडन लकड़ी का मिलेट हथौड़ा था एन ऑल एक सुआ था एंड थ्री लेग्ड एनवल और तीन पाव वाला सिंदांता आहरान कैन बी ऑब्जर्व देखा जा सकता था इन द राइट साइड ऑफ द शॉप दुकान की दाई तरफ द रेस्ट ऑफ द शॉप वॉज एज बेरन एज डेजर्ट बाकी दुकान सहरा की तरह बंजर था बेरन बंजर से डेजर्ट सहरा बिकॉज ही मेड ओनली दोज पेयर्स ऑफ शूज डेट वर ऑर्डर क्योंकि वो जूतों की सिर्फ वो जोड़े बनाता था पियर जोड़े को कहा जाता है जो जिसकी फरमाइश होती थी एट द फॉर एंड ऑफ वॉल ऑफ द शॉप वॉज हैंगिंग अ स्मॉल साइन बोर्ड दीवार की दुकान की आखिरी दीवार के आखिरी हिस्से पर हैंगिंग अ स्मॉल साइन बोर्ड एक इश्तिहारी तख्ता लटक रहा था शोइंग ज़रिंगुल एंड ब्रदर्स जिस पर ज़रिंगुल और ब्रदर्स दिखाई देता था इस पर लिखा था The shoes that Zerinigul made never failed to fit in the feet.
जो जो ते जरिन गोल बनाता था वो कभी भी भाव में ठीक आने में फेल नहीं होते थे। एंड दे लॉस्ट इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्गर देन यूजुअल, और वो मामूल से ज़्यादा चलते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली तौर पर, लॉन्गर देन यूजुअल यानी मामूल से ज़्यादा लंबे चलते थे। टू मेक शूज़, जूते बनाना, सच शूज़ एज ही मेड, और जिस तरह के जूते वो बनाता था, सीम टू मी मुझे दिखाई देते थे तब भी, देन तब भी, एंड सीम्स टू मी नाउ और अब भी मुझे दिखाई देते, मिस्टीरियस पूरी सरार यानी राजों से भरपूर, एंड वंडरफुल और हैरत अंगेज। आई स्टिल रिमेंबर मुझे अब भी याद है, माई हेजिटेंट रिमार्क्स मुझे अपने मुतजब्ब गुफ्तगू, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हेम माई यूथफुल फुट, जब मैंने अपना जवानी वाला पाव उसके सामने पिलाया था। इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू मेक शूज, क्या ये नहायत ही मुश्किल नहीं है जूते बनाना, इन सच टफ कंडीशंस, इतनी सख्त शराइत के साथ। द सर्पेंटाइन रिंकल्स रेगल्ड ऑन हिज स्माइलिंग फेस, बलकाती हुई चरिया उसके चेहरे पर नमूदार हो गई, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए फेस चेहरा। एंड ही आंसर, और उसने जवाब दिया, इट इज़ एन आर्ट, ये एक फ़न है, ये एक आर्ट है। जरीन गुल रिमार्क्स अबाउट शूज़ मेकिंग एंड देयर सूटेबिलिटी टू डिफरेंट पीपल वर सो अथॉरिटेटिव, जरीन गुल रिमार्क्स, जरीन गुल के बयान अबाउट शूज़ मेकिंग, जूते बनानों के बारे में, एंड देयर सूटेबिलिटी और उनकी मौजूनियत के बारे में, टू डिफरेंट पीपल मुख्तलिफ लोगों के लिए, वर सो अथॉरिटेटिव इतने महकमाना थे एंड फाइनल और फैसला कुन थे, डेट नो बॉडी डेयर रिजेक्ट देम, के कोई भी इंसान इसको मुस्तरद करने की जरूरत नहीं कर सकता, डेट नो बॉडी डेयर रिजेक्ट देम, के कोई भी शख्स इसको मुस्तरद करने की जरूरत नहीं करता था। माई फादर, मेरे बाबा दो अगरचे चेफ्टन ऑफ द एरिया इलाके के सरदार थे, वुड एक्सेप्ट हिज व्यूज, उसके ख्याल को कबूल करते थे, अबाउट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज, एक ख़ास किस्म के जोड़े के बारे में, विद ब्रिस्क नॉट, इस बात में सर हिलाकर, ब्रिस्क नॉट सर हिलाने को कहा जाता है। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू हेम ऑफन, ये मुमकिन नहीं था कि हम अक्सर उसके पास जाए, बिकॉज देयर वॉज समथिंग इन हिज शूज़, क्योंकि उनके जूतों में कुछ कोई चीज़ था, दैट वॉज बियॉन्ड द टेम्परेरी, जो कि अर्जीपन से परे था। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा टू से दैट, कि ये कहा जाए, ड्यूरेबिलिटी वॉज टच एंड टू देम, कि इनमें पायदारी सी दी जाती थी। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड टू से टू हेम, मैं वो दिन नहीं बोल सकता जिस दिन मुझे उसे कहना, मैंने उसे कहा, जरीन गुल का काम, माई लास्ट फियर ऑफ शूज मेक्स अ क्रीकिंग साउंड, यू नो, क्या तुम जानते हो मेरे आखिरी जूतों का जोड़ा मेक्स करता है अ क्रीकिंग साउंड, चरचराती हुई आवाज़। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, विद स्ट्रेंज हैरत के साथ, लुक्स विद स्ट्रेंज लुक्स, अजीब लुक्स के साथ, अजीब नज़रों के साथ, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ द स्टेटमेंट, जैसा कि वो मुझसे तवक्को कर रहा था कि मैं वापस लूँ द स्टेटमेंट, वो बयान, एंड देन सेड, और फिर बताया, इट शुडन हैव क्रैक्ड, उसी यानी जूतों को चूचू की आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी। आई डेड, उसने किया, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई सेड विद क्वेरिंग टून, मैंने कपकपाती हुई लरसती हुई लहजे में जवाब दिया, एट डेड ही लोअर्ड हिज आइज, उस पर उसने अपनी आँख की नीची कर ली, एज इफ हंटिंग फॉर द मेमोरी ऑफ दोस पियर अफसोस, जैसा कि वह उस जूतों की एज इफ हंटिंग, जैसा कि वो तलाश कर रहा था, फॉर द मेमोरी यादाश अब दोस उस पियर अफसोस जूतों के जोड़े के। आई रियली फेल्ट सॉरी, मैं मुझे वाकई में अफगान महसूस हुआ, दैट आई मैंशन दिस पिटी थिंग, कि मैंने इस मामूली चीज़ का जिक्र किया, विच लुक टू हेम, जो उसे दिखाया जाता है, सो सीरियस, बहुत ज़्यादा संजीदा, एंड ग्रेव, और इंतहा अहम, सेंड डेम बैग, उसे वापस भेज, जो ही सेड, उसने बोला, आई विल लुक एट डेम, मैं उसे देखूँगा, सम शूज़ आर बैड फ्राम बर्थ, कुछ जूते पैदाइशी से ख़राब होते हैं, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद डेम, अगर मैं उसके साथ कुछ नहीं करता, आई विल गिव बैक द अमाउंट यू पेड फॉर देम, तो मैं वो रकम वापस कर दूँगा जो उसने अपनी जूतों के लिए अदा की थी। देन आई वेंट अब्रॉड टू परसू माई हायर स्टडीज़, फिर मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर चला गया, एंड कैरियर और ज़रिया माश, एंड कुड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट जरीन गुल, और जरीन गुल के साथ मिलने का मौका नहीं मिला, द फैंटास्टिक शो मेकर,
लाजवाब जूते बनाने वाला फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों किए। आफ्टर सेवरल ईयर्स कई सालों बाद आई रिटर्न टू पेशावर, मैं पेशावर वापस आ गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड, और पहला दुकान जिस पर मैं गया मेरे पुराने दोस्त जरीन गोयल का था। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 50, मैंने 50 साल का आदमी छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 65, और मैं एक 65 साल उम्र की शख्स के पास आया। वन एंड टॉन जो कि तोड़ फोड़ का शिकार हुआ था, लाइक एंड ओवर यूज पेयर ऑफ शूज, ज़्यादा इस्तेमाल शुदा जूतों के जोड़े के तरह। ही शुक हैज बूनी हैंड विद मी, उसने अपना बूनी हैंड यानी हड्डियों वाला हाथ मेरे साथ मिलाया। उसमें सिर्फ हड्डियाँ थी, गोश्त ख़त्म हो चुका था। बट द ग्रिप ऑफ हिज हैंड वॉज एज टाइट एज इट वॉज मेनी ईयर्स अगो, लेकिन उसकी हाथ की ग्रिफ्त पकड़ उतनी सख्त थी जितना कि पहले थी, कई सालों पहले थी। एट फर्स्ट पहले ही डिड नॉट नो मी, उसने मुझे नहीं पहचाना। बट व्हेन आई गॉट माई सेल्फ इंट्रोड्यूस, लेकिन जब मैंने अपना आप खुद को मुतारिफ कराया। हिज ब्रूडेड आईज स्पार्कल विद स्माइल, तो उसकी रंजीदा आंखें चमक उठी स्माइल मुस्कुराहट के साथ। डू यू वॉन्ट एनी शूज़, क्या तुम्हें जूते चाहिए? ही आस्क, उसने पूछा। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उसे जल्दी बना सकता हूँ। बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फारग वक़्त है। देन ही लुक्ड एट माई ब्रांडेड शूज़ एंड सेड, फिर उसने मुझे मेरे ब्रांड वाले जूतों को देखा और बताया। दोज आर नॉट माई शूज़, ये मेरी जूती नहीं है। हिज टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उसका लहजा गुस्से वाला नहीं था, और अफसार या दुख का। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प, यहाँ तक कि हकारत वाला भी नहीं था। बट डियर वॉज एन एट समथिंग क्वाइट, लेकिन उसमें कुछ खामोशी थी। डेट फ्रोज माई ब्लड, जिसने मेरे खून को मुजमित कर दिया। ही पुट हैज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर माई लेफ्ट शूज वॉज नॉट क्वाइट। ही पुट हैज हैंड डाउन, उसने अपना हाथ नीचे रखा। एंड प्रेस्ड अ फिंगर, और अपनी उंगली दबाई ऑन द प्लेस, उस जगह पर। वेयर माई लेफ्ट शूज वॉज नॉट क्वाइट, जहाँ पर मेरा दाई जूता ठीक नहीं था। क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल भी आरामदेह नहीं था। एट हार्ट्स यू डियर, ये आपको यहाँ पर तकलीफ देती है, ही सेड, उसने बोला। डू द बिग शू मेकिंग कंपनीज हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बड़ी जूते बनाने वाली कंपनियों में इज्जत नफ्स नहीं होती? एंड देन ही स्पोक बेटरली, फिर वो बेटरली यानी कड़वाहट के साथ बोलने लगा। अगेंस्ट द बिग मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ। दैट हैव एक्सटेंडेड दियर टेंटिकल, जिन्होंने अपनी शिकंजी जड़ी पिला दी है। टू द शू मेकिंग ट्रेड, जूते बनाने की तिजारत तक भी। ट्रेड ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। हाउ दीज कंपनीज हायर द क्राफ्टमैन ऑफ शू मेकिंग ट्रेड, कि किस तरह उन्होंने जूते बनाने की हुनरमंदों को हायर किया है, नौकरी फर ली है। दीज बिग फॉर्म्स, ये बड़ी कंपनियाँ यानी मुश्तरका कारोबार वाले। यूज़ दियर हैंड, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं। नॉट दियर ब्रेन और एक्सपीरियंस, न कि अपने दिमाग या एक्सपीरियंस तजुर्बों को। आई आस्क ज़रीन गुल का, कहा मैंने ज़रीन गुल का से पूछा। वाई ही डिडंट जॉइन दीज बिग फॉर्म्स, कि उसने इन बड़ी कंपनियों को क्यों इसमें शमूदियत अख्तियार नहीं की। एफ हेज ट्रेड वॉज नॉट डूइंग वेल, कि अगर उसका तजारत अच्छा नहीं चल रहा था। हेज रिप्लाई वॉज क्रिस्प एंड ब्लंट, उसका जवाब करारा और मुँहपट था। आई एम एन आर्टिस्ट नॉट मशीन, मैं एक फ़नकार हूँ मशीन नहीं हूँ। हु विल ब्लाइंडली फॉलो दियर इरेशनल एंड स्टूपिड डिक्टेशन, जो उनके बेहुदा नामाकूल और स्टूपिड बेवकूफ़ाना हिदायत पर अमल करेंगे। दे गेट इट ऑल, वो ये सब कुछ हासिल करते हैं। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखा। बाई एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार के जरिए, नॉट बाई वर्क, काम के जरिए नहीं। दे टू गेट अवे फ्राम अस, उन्होंने हमसे ये काम छीना है। एंड प्रेजेंटली वी हैव नो वर्क, और हाल ही में हमारे पास कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है। लुकिंग एट हिज क्रम्पल्ड लेदर फेस, उसकी रेशो काल वाली को चेहरे को देखती हुई। क्रम्पल्ड मीन रेशो वाले, लेदर काल फेस चेहरा। आई सॉ थिंग्स आई हैड नॉट नोटिस बिफोर, मैंने वो चीज़ें देखी जो मैंने पहले नोट नहीं की थी। बेटर थिंग, कड़वी चीज़। एंड बेटर स्ट्रगल, और सख्त मेहनत। हिज फेस एंड वॉइस, उसका चेहरा और आवाज़ मेड सो डीप एन इम्प्रेशन ऑन मी, मुझ पर इतना असर कर गया। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, के अगले चंद मिनटों के दौरान। आई ऑर्डर मैनी पेयर्स, मैंने बहुत सारे जूतों के जोड़े फरमाइश की। आई वॉन्टेड टू मेक हेम एडवांस पेमेंट, मैं उसे
एडवांस यानी पहले से अदायगी करना चाहता था बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दो ही हैड बैडली नीडेड मनी, अगर उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बाई सेंग ये कहती हुई पे एट उसे अदा करो, वेन द शोज़ आर रेडी टू डिलीवर, जब जूते डिलीवर करने के लिए यानी देने के लिए तैयार हो जाए। अ वीक लेटर एक हफ्ता बाद, आई केम टू वियर हेज शॉप हैड बीन, मैं वहाँ पर गया जहाँ पर उसका दुकान होता था। आई वॉज सरप्राइज, मैं हैरान हुआ। टू सी डेट ये देखती हुई, देयर द मॉन्स्ट्रस साइज ब्लैक शीशावरी चप्पल वॉज नो मोर हैंगिंग ऑन द वुडन डोर ऑफ हिज शॉप, कि उसकी दुकान के लकड़ी के दरवाजे पर अब पेशावरी चप्पल मजीद नहीं, बहुत बड़े साइज़ की ब्लैक पेशावरी चप्पल अब नहीं हैंग रही थी, नहीं लटक रही थी। अब एक साइज साइन बोर्ड, एक बहुत बड़ा इश्तिहार वाला तख्ता डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ अ फेमस शो ब्रांड वाज हैंगिंग ऑन हिज शॉप, जो कि एक बहुत बड़ी शो ब्रांड की नेम को दिखाई दे रहा था, डिस्प्ले कर रही, जाहिर कर रही थी। ऑन हिज शॉप हैंगिंग ऑन हिज शॉप उसकी दुकान पर लटक रही थी, यानी बड़ी कंपनी ने उसको ख़रीदा था। आई वेंट एंड मैं अंदर गया एंड सेड, और बताया जेनगुल का कहा, जेनगुल का नो सर, नहीं जनाब। अ स्मार्टली ड्रेस यंग मैन रिफ्लाइड, एक फैशन के तौर पर यानी स्मार्टली ड्रेस कपड़े पहनी हुई नौजवान आदमी बोला, नो नहीं बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग, लेकिन हम कुछ भी आपके लिए अटेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं विद प्लेजर, खुशी के साथ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने दुकान लिया है। यस यस जी जी आई सेड, मैं बोला, बट वी आर एज गुल काका, लेकिन गुल काका कहा है। ओह ही आंसर डेड, उसने जवाब दिया वो वफात हुआ है, डेट वफात। बट आई हैव टू रिसीव द शूज दैट आई ऑर्डर लास्ट वीक, मुझे तो वो जूती हासिल करनी है जो मैंने लास्ट वीक में यानी आखिरी हफ्ते में मैंने ऑर्डर की थी। ओह ही सेड, वो बोला, पुअर ओल्ड मैन स्टार्ट हिमसेल्फ, पुअर गरीब बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूखा रखा। स्लो स्टार्वेशन, आहिस्ता भूख फाका। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने उसे बताया था। ही नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी भी अपने आप को खाने के लिए वक़्त नहीं देता था। नेवर हैड अ पिनी इन द हाउस, उसकी घर में एक पिनी भी नहीं थी, एक पैसे एक कड़ी भी नहीं थी। ऑल वेंट एंड रेंट, सब कुछ कराया और लेदर में गया चमड़े में। एज आई वॉज कमिंग बैक, जो ही मैं वापस आ रहा था विद हैवी हार्ट, भारी दिल के साथ। द वर्ल्ड्स ऑफ जरिंगुल, जरिंगुल के अल्फाज, द फैंटास्टिक शो मेकर, जो कि एक लाजवाब जूती बनाने वाला था, वॉज टेंकलिंग इन माई माइंड, मेरी जहन में गूंज रही थी। डू द बिग शो मेकिंग कंपनीज हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बड़ी जूती बनाने वाली कंपनी में खुद की इज्जत नफ्स नहीं होती। तो ये था द फैंटास्टिक शो मेकर का ट्रांसलेशन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।